हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल फूड फटाफट बिकनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम डालेंगे एक कटोरी आटा, एक कटोरी मैदा और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। हमें आटा, मैदा और सूजी तीनों ही एक समान लेने हैं। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंथेंगे। हमें गोलगप्पे का डो बनाने के लिए हमें पूरी से भी ज़्यादा टाइट डो बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे गोलगप्पे फूलेंगे नहीं, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका डो बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो बन गया है। अब आप इसको पास से देख पा रहे होंगे कि ये कितना टाइट है। तो ये तो टाइट है, सूजी की वजह से ये टाइट है, इसलिए इसको रख देते हैं और इसमें गीला कपड़ा ढाँक देंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि सूजी पानी सोखने में कितनी माहिर है। अब इसको हम 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, हमने 30 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया है। आप हमारा डो देख पा रहे होंगे कि कितना सॉफ्ट हो गया है। देखिए, हमारा ये डो सॉफ्ट हो गया है और सूजी ने अपना जितना पानी ऑब्जर्व करना था कर लिया। अब हम इस डो को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा आपस में मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारा ये डो कितना सॉफ्ट होता जा रहा है। अब हम इसकी बनाएंगे लोइयां और इसकी बड़ी बड़ी सी पूड़ियां। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लोई बना ली है, अब हम इसकी बड़ी सी पूड़ी बना रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो हम बड़ी सी पूड़ी बनाएंगे उसको एकदम पतला बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये एकदम पतली हो गई है। अब हमें जिस आकार का गोलगप्पा बनाने के तैयार करना है, आप उस शेप का इसको काट लें। देखिए, इसको काटने के लिए इसमें दबा के थोड़ा सा इसको घुमाएंगे तो ये शेप में आ जाएगी। तो ये हमारी सारी शेप में आ चुकी है। अब इसका एक्स्ट्रा आटा हम निकाल के अलग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको निकाल के अलग कर लिया है। अब एक गीले कपड़े में सारी पूड़ियों को डाल देंगे, छोटी छोटी पूड़ियों को। देखिए, हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से गीला कपड़ा और इसको गीले कपड़े से एकदम दबा के रख देंगे ताकि नीचे से और ऊपर से जो हमारी छोटी छोटी पूड़ियाँ हैं वो गीली हो जाएं और फूलने के लिए हो जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चढ़ा दिए, रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई को हम इतना गर्म करेंगे कि वो धुआं देने लगे, तभी हमारे गोलगप्पे फूलेंगे। तो हमारी कढ़ाई धुआं देने लगी है, इसमें हमने डाला गोलगप्पा और इसको जब तक दबाएंगे तब तक ये फूल नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, गोलगप्पे बनाते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हमें जो गोलगप्पा तलना है उसको हमें प्रॉपर दबाना पड़ेगा, तभी जाके वो हमारा फूलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे गोलगप्पे फूलना स्टार्ट हो गए हैं और देखिए ये कैसे फूलते जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है, आप बाहर जाके गोलगप्पे नहीं खा सकते हैं, तो इस आसान तरीके से आप घर पे गोलगप्पे बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गोलगप्पे बनके हो गए हैं तैयार। अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए ये कितना क्रिस्पी है, कितने आराम से टूट गया है। तो देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितने क्रिस्पीनेस है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से आप घर पे गोलगप्पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। It's caught in the crossfire.